मैं जरा थोड़ी देर में आऊं क्या? श्योर, हाँ मिलता हूँ। या अरे तू कहाँ जा रहा है? तू ही रुकना, तू इसके पीछे जाएगा तो फिर से ये तुझे कोई काम सौंप देगा। यू जस्ट चिल, एंजॉय द पूजा। थैंक यू। हाय मॉम, आप अभी ठीक हो? प्राची से पूछ ले कि मैं अपनी माँ का हाल चाल पूछूं या नहीं, पूछ ले होगा ना? मॉम, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था यार। हर्ट नहीं, तुम मुझे कंफ्यूज करते हो। मुझे समझ में ही नहीं आता रणबीर के, तुम जो कह रहे हो मैं उससे सीरियसली लूं या जो तुम करते हो उससे सीरियसली लूं? वो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जो कल की एक्शन है ना तुम्हारी, वो मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही। तुम्हारे कल के एक्शन के सामने तुम्हारी आज की बात छोटी पड़ गई। कल के लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। I'm really sorry. Please, रणबीर, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी बोलने का मतलब तब बनेगा ना जब तुम आज मेरी बात मानोगे। लेकिन अगर तुम्हें वही करना है जो कल किया, तो तुम्हारे इस सॉरी का कोई मतलब नहीं है। आप एक बार मेरे इतने कहने के बाद अब तुम जो कुछ भी कहोगे ना रणबीर, सिर्फ बहस होगी। घर की सुख शांति के लिए पूजा रखवाइए, तो प्लीज सब कुछ सुख शांति से हो जाने दो। Hats off to you, Pallavi. I'm sorry. मैंने तुम्हारी बात सुन ली। आई मीन, रणबीर को ये कहना कि उसकी सॉरी तभी मानी जाएगी जब वो तुम्हारी बात माने, इनडायरेक्टली ये बोलना कि उसे और रिया को पूजा में साथ में बैठना होगा, इट्स कमेंडेबल। बेटे से बात करने का कोई तरीका नहीं होता आलिया। मैंने उससे ना ही इनडायरेक्टली कुछ कहा है, ना उससे मैनिपुलेट करने की कोशिश की। तुम्हें मेरी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं, बस मेरे दिल में जो बात थी वो कह दी। Really? तो सुबह सुबह 3:30 बजे अपने पूरे स्टाफ को मेल्स भेजता है। तुझे मैंने यहाँ पे क्यों बुलाया था? पूजा अटेंड करने के लिए, मेरी कंप्लेंट करने के लिए पापा से। अरे जब सर मुझसे पूछेंगे कि रणबीर काम करता है या नहीं, तो बोलूंगा ना रणबीर कितना अच्छे से काम करता है। बोलूंगा ही, अरे रणबीर सर बहुत बढ़िया से काम कर रहा है, दिल लगा के काम करता है। बिल्कुल शरीफ नहीं है, तो मुझे पता तू क्या कर रहा है। एक सेकंड। हेलो, आप एक बार मेरे को चेक करके बताइएगा, ठीक है? थैंक यू। और कुछ भी हो जस्ट कॉल मी। ये दोनों है ना, हमें कितना भी लड़ झगड़ के दिखा दे, लेकिन हमें तो उन दोनों में प्यार ही नजर आता है। अब जब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो दीदा हमें प्यार ही दिखेगा ना। So cute. Ouch. I'm so sorry, मुझे तुम दिखी ही नहीं। हेलो, तुमने मुझे जान की टक्कर मारी और बहुत जोर से। रियली? डॉक्टर वॉक्टर को बुला दूं? कहीं खून तो नहीं आ रहा? तुम मेरा मजाक बना रही हो? क्या कर रही हो तुम दोनों? हाँ, आज पूजा चल रही है घर में, और पूजा वाले दिन भी तुम झगड़ रही हो। पंडित जी, पूजा शुरू करें। जी जी, लीजिए प्रसाद भी आ गया। बस 5 मिनट में पूजा शुरू करते हैं, तब तक आप लोगों में से किसी को पानी वगैरह पीना है तो पी ले। जी। मॉम, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं कुछ खा के आता। पूजा से पहले कुछ खा नहीं सकते। भूख लगी है तो पानी पी लो तुम, या एट द मोस्ट जूस पी लो। ठीक है, फाइन। रणवीर, एक सेकेंड। या क्या हुआ? Look at how pretty you look. Thank you, mommy. So are you, looking absolutely beautiful, as usual. Thank you.
कौन हो तुम? तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा यहाँ। किसने इनवाइट किया तुम्हें यहाँ? ओ जी मम्मी, मैंने इसे इनवाइट किया है। मैंने इसे बुलाया है। अब आज घर में पूजा थी, इतने गेस्ट आए थे, तो मुझे लगा यू नो फॉर एक्स्ट्रा हेल्प एंड एक्स्ट्रा वर्कर। ऑफ कोर्स, थैंक गॉड, वरना मैंने तो सोचा भी नहीं इसके बारे में। अच्छा किया तुमने इसे बुलाया। एक सेकंड सुनो, इसे किचन दिखा दो हाँ, और सारा काम समझा देना। देखो जाओ, इसके साथ जाओ। नहीं नहीं मैडम जी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे मेरा काम पता है। बस एक बार थोड़ा घर वाला अच्छी तरीके से देख लूं, फिर अच्छे से काम कर दूंगा। जाओ। इतना भी काम नहीं है कि एक्स्ट्रा वेटर रखवाना पड़े। और रिया ने ही क्यों रखा, ये कब से करके काम करने लगी? क्या कर रहा है? पर देख ले, यहाँ पर किसी को नहीं पता, पर मुझे पता है कि तू यहाँ पे पक्का चोरी करने आए। चल निकल तू यहाँ से, चुपचाप निकल। नहीं गया तो क्या करेगी? मैं सबको बता दूंगी, और दो मिनट भी नहीं लगा ये लोग तुझे अरेस्ट करवा। चल तू मेरे बारे में सबको बता देगी? अरे मैं नहीं बताऊंगी तो क्या हुआ? आलिया मैडम, रिया मैडम, वो तो तुझे पहचान लेंगे ना, वो तुझे जानती है ना। अभी तक देखा नहीं, अगर देख लिया ना तू तो गया। इनका नाम तू ले रही है ना, उन लोगों ने मुझे इनवाइट किया है। आलिया और रिया मैडम, उन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पे। चल जुए, चल। सच्चा मेरा प्यार, सच्चा तेरा यार। बकवास बंद कर। इतनी मुश्किल से मुझे ये काम मिला, इतना अच्छा घर मिला है। मुझे इस घर में चोरी चकारी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर तू नहीं जा रहा है ना, मैं जा रही हूँ अभी सबको बताने कि तू यहाँ पे वेटर है। मुझे बात समझ में नहीं आ रही है क्या? मैं यहाँ पर चोरी करने नहीं आया, मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया समझी? चुपचाप अपना काम कर, मुझे अपना काम करने दे। कौन सा काम करूँ तुझे जरा बता मुझे? तेरी प्राची मैम है ना, उसका मर्डर करने को मिला है मुझे। अरे पागल है, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, या शराब पी करके आया? मैं यहाँ पे तेरे साथ घर बसाने की सोच रही हूँ, तू जेल जाना चाहता है। तेरी चोरी चकारी से मैं कम परेशान थी, जुजू को मर्डर करी। तू मैं कौन सा प्रोफेशनल किलर हूँ यार? एक बार पैसा मिल जाएगा, गंगा में डुबकी डालेंगे, सारे पाप धुल जाएंगे। मुझे गंगा जाने की जरूरत नहीं है पाप धुलने के लिए। तू पागल हो गई है? मेरी बात सुन, ये क्या हो रहा है? देखिए ना मैडम जी, फालतू में गुस्सा हो रही है मुझ पे। मैं इसको कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी इस घर में नौकरी लगी है और इसको लग रहा है मैं इस पर लाइन मार रहा हूँ। आप ही समझाइए ना इसको, मैं वो चाय लेकर जाता हूँ। इसे जानती हो तुम? नहीं। फ्रिज में से फ्रूट्स निकालो, मुझे जूस बनाना है। जूस मैं बना देती हूँ। नहीं मैं बना दूंगी, बस फ्रूट्स निकालो। लो बात, बड़े लोगों के भी सारे चोचले होते। वो 10 रुपए की चाय है, मैगी कप पे पड़ गई 500 रुपए की बन गई। कमाल तेरी। सही है यार, काफी महंगा लग रहा है। ये सही है, वो बड़े लोगों का स्टाइल ही नहीं, पसंद भी कुछ अलग होती। सुनो, तुमने प्राची को कहीं देखा है? बहरे हो क्या? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम जवाब ही नहीं दे रहे हो। ऐसे देखे क्या जा रहे हो? देखो ऐसे दांत दिखाना बंद करो, वरना तुम्हें घर से बाहर निकलवा दूंगी। नहीं जी मैडम जी, मेरा मतलब वो नहीं था। प्राची जी ना वो किचन में है। एक्चुअली सॉरी, मैं आपको देख नहीं रहा था। मतलब देख रहा था, लेकिन वैसे नहीं देख रहा था जैसा आपको लग रहा है मैं देख रहा था। बोलना तो बहुत आता है, काम करना आता है? वही कर रहा था जी। वो तो दिख रहा है कितना काम कर रहे हो तुम। सॉरी सॉरी जी, मैं वो एक्चुअली ट्रे लेने आ रहा था, टकरा गई। सॉरी। सॉरी सॉरी मैडम जी। मैंने देखा अभी तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे। नहीं जी मैं कुछ करना नहीं चाहता था, एटीट्यूड दिखा रही थी फालतू में मुझे। तो तुम भी दिखाओगे? पता है ना क्या बन के आए हो,
इसीलिए तो आपको सॉरी बोला जी, मुझे नहीं पता कि वो आपके सिस्टर विस्टर। मेरी कोई सिस्टर नहीं है, वो प्राची की है। इनफैक्ट सिस्टर से भी ज्यादा। उससे बचकर रहना, बहुत दिमाग चलता है उसका। शक हो गया ना तो अपना काम नहीं कर पाओगे, समझे? ओके जी। नाउ लेट्स गो। जी जी। तो मैं दिखाती हूँ प्राची पर कहाँ अटैक करना है। लेट्स गो। ये रिया के साथ क्या कर रहा है? देखती हूँ जाके। सरिता आंटी। हाँ सरिता आंटी, कैसे हो आप? रे, एक बार ये चेक कर ले। क्या? क्या? ये चेक करना, लिस्ट है फाइनेंसर्स की, जल्दी चेक कर। मॉम, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं कुछ खा के आता। पूजा से पहले कुछ खा नहीं सकते। भूख लगी है तो पानी पी लो तुम, या तो उस जूस पी लो। क्या कर रहा है यार तू? मतलब मुझे लगा तूने मुझे पूजा के लिए बुलाया। तू धर्म के नाम पे काम? काम नहीं करवा रहा हूँ तुझसे, काम पूरा मैंने कर दिया। तुझे सिर्फ क्रॉस चेक करने के लिए बुलाया, क्रॉस चेक कर ले। और वो क्या था, तीन बजे तूने मुझे दुनिया की फाइल भेजी, उसका क्या? देखो इतनी प्रॉब्लम है अगर तो मत करना काम। एक काम कर, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में तेरी एक नौकरी लगवा दूं मैं, वहाँ पे आराम से काम करियो 10 से 6, कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन अगर तुझे यहाँ काम करना है तो ऐसे ही काम करना पड़ेगा। आराम से हो क्या, क्या क्या हुआ यार? देख रणवीर, मुझे काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं, कितना मर्जी काम करवा ले यार, बट तुझे नहीं लगता तो कुछ ज्यादा काम करने लगा यार? ये सब देख के मुझे वो 2 साल पुराना दौर याद आ गया यार। पूरे स्टाफ को पागल बना के रखा है यार। रणवीर तू 3 बजे फाइल भेज रहा है यार, मेल कर रहा है सबको। ठीक है तो जिन जिन को दिक्कत है ना काम करने से रात को, उनको बोल मुझे मेल कर दे कि वो काम नहीं कर सकते। I will now work, work and only work. I don't care about you. I don't care about mom. I don't care about Rhea. Any. अरे थैंक्स प्राची यार, यही चाहिए था। सोचा फिर लेने कौन जाए, तू लेगा? नहीं मैं कुछ नहीं लूंगा, तुझे लेना तू ले ले। जय वैसे भी ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, किसी और के लिए नहीं। मैं अभी आया। तुम लोग कहीं नहीं जाएगा, तू वहीं खड़ा रहे। और इसे पूछ यहाँ पे कर क्या रही है। जय इसे कह दो कि मैं जो कुछ भी करने आई हूँ इसके लिए तो डेफिनेटली नहीं आई। तो जय इसे ये भी कह दे कि हमारे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, और यहाँ पे किसी को कुछ नहीं चाहिए। जय इसे कह दो, यहाँ पे ऑलरेडी मुझे इतना कुछ मिल चुका है, झूठ, धोखा, जालसाजी, तो अभी कुछ और लेने का मन भी नहीं। स्टॉप अक्यूजिंग मी। अक्यूज नहीं कर रही, मैं तो एक मौका देने आई थी तुम्हें। काफी अच्छी मेमोरी है, I'll give you that. But मेमोरी स्टोरेज खराब है। तुम सिर्फ और सिर्फ बुरी यादें रखती हो अपने दिमाग में, अपने दिमाग में अच्छी यादें नहीं रखती हो। मैंने तो अपने दिल में किसी को जगह दी थी, अब वो बुरी यादें देके चला गया तो इसमें मेरे दिल का क्या कसूर है? So what do you expect from me? कल जो हुआ उसके बाद ये सब क्यों कर रही हो फिर? एक सेकेंड, मेरा ये जूस लाना तुम्हें मेरा अपोलॉजी जेस्चर लग रहा है। इस जूस के साथ तुम्हारी जो गलत फहमी थी ना वो भी बह गई। I hope everything is clear now. I hope you're happy now. It's very clear. मैंने तुम्हारी थोड़ी सी ईगो क्या हर्ट कर दी, तुमने जूस फेंक दिया। मैं समझ चुका हूँ कि तुम अपने गुस्से के लिए सब कुछ खत्म कर सकती हो। ये मेरा ईगो नहीं था। तो क्या था? मूड स्विंग था तुम्हारा। आज से पहले तो तुम्हें कभी मूड स्विंग हुआ नहीं है। What was this? क्या हो गया भाई, जब देखो डांटता है तो उसको है। हुआ क्या है, बोलेगा? कुछ नहीं, हम लोग पूजा में बैठते हैं। वैसे ही पूजा के बाद मैं ऑफिस जाऊंगा, मैं घर पे रहने का मन नहीं। चल चल। वैसे मैडम जी झूमर भी बोल सकते हैं। नहीं वो क्या है ना कि झूमर बोलने और टूटने में टाइम कम लगता है,
ये शैंडलर वेंडर ना बड़ा क्लासी लगता है जी, और जो काम हम करने जा रहे हैं ना वो क्लासी तो बिल्कुल नहीं है। आई होप इसे यहाँ लाकर हमने कोई गलती नहीं की। डोंट वरी रिया, मैं यहाँ हूँ इसके साथ, तुम नीचे जाओ और अगर मेरे बारे में कोई पूछे तो कह देना कि मैं ऑफिस कॉल में बिजी हूँ। ओके। इसे तुम झूमर की रस्सी काटोगे। वैसे जी काटने को तो मैं गर्दन भी काट सकता हूँ, पर क्या है ना कि मर्डर को एक्सीडेंट दिखाना है। ठीक है, झूमर की रस्सी काट देंगे जी। और जी रस्सी शस्सी है कहाँ पर? चलो दीदा, प्राची ने कहा था वो आ जाएगी पर पता नहीं कहाँ रहेगी। रणबीर आ गया ना, प्राची भी आती होगी। जल्दी आ जाए वरना ये रिया ना पूजा में बैठ जाएगी। थैंक यू बेटा। प्राची तू कहाँ रह गई थी? पता है रिया बैठने वाली थी पूजा में। तुम प्राची के लिए कितना भी स्टैंड ले लो, कितनी भी तारीफ कर लो, उसे अपना बोल लो, होता सब घर में है, जहां बाहर वाले नहीं सिर्फ घर वाले होते हैं। बाहर वालों के सामने तो मैं ही इस घर की बहू हूं। और कौन कहता है सास हमेशा बुरी होती है? औरों की सास बहू से काम करवाती है, लेकिन मेरी सास तो मेरे हर काम बिना पूछे ही कर देती है। आप सभी पूजा स्थल में आ जाइए, पूजा शुरू करें। आगे आओ बेटा, ये पूजा में तुम्हें ही बैठना है। इस पूजा में तेरे डैड और मैं नहीं, इस पूजा में न्यूली वेडेड कपल्स बैठते हैं, इसलिए तुम और तुम्हारी पत्नी बैठेंगे। जाओ रिया, जाके रणबीर के साथ बैठ जाओ। डोंट वरी, वो कुछ नहीं बोलेगा, और अगर उसने कुछ कहा तो मैं हूं ना। तुम तो जानती हो हमेशा की तरह तुम्हारे साथ हूं। ये तो रिया जी पूजा की तरफ जा रही है, कहीं आपका प्लान वैन चेंज तो नहीं हुआ ना? पता लगे प्राची की जगह रिया मैडम को। ऐसा सोचना भी मत, खड़ी हूं ना मैं यहाँ पर, मैं बताऊंगी ये रस्सी कब काटनी है और ये झूमर कब किसके ऊपर गिरेगा, समझ गए? ओके जी। किसी और का इंतजार कर? तुम्हारा ही कर रहा था। पूजा में बैठे हैं, कम से कम अभी तो झूठ मत बोलो। मुझे उकसाओ मत, क्योंकि अगर मैंने तुमसे सवाल पूछ लिया ना तो तुम झूठ नहीं बोल पाओगी। अब रिया उठो बेटा, कैसे गिरी तुम? हाँ आ जाओ, उठो, ठीक हो तुम? उठो वहां से, वो मेरी जगह है, समझी?
क्योंकि मैंने तो नहीं देखा। आज पूजा के दिन तो ये नाटक मत करो। घर की सुख शांति के लिए ये पूजा हो रही है, इसलिए तो बैठी हूँ। बताया ना तुम्हें, इल्लीगल सौतनी जो तुम आ गई मुंह उठा के, तभी कह रही 10 कदम पीछे हट जाओ और शांति से हमें पूजा करने दो। पूजा शुरू होने से पहले इस घर की सुख शांति मत बिगाड़ो।